स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि शो के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि मनीष रूही पर बहुत गुस्सा करता है और वो उससे कहता है कि वो पोद्दार परिवार से दूर रहे और वो उसे कहता है कि वो उसकी कसम खाए कि वो आज के बाद अरमान के पास नहीं जाएगी, लेकिन रूही उसे मना कर देती है और वो उन्हें कहती है कि जब तक अरमान और अभिरा की शादी नहीं हो जाती उसकी उम्मीद बनी रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभिरा के बीच एक रोमांटिक सीक्वेंस देखने को मिला जिसमें दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और अभिरा अरमान को अपने फर्स्ट सैलरी देती है जो उसे उसके फर्स्ट केस से मिला था, जिसे देख अरमान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अभिरा को कहता है कि उसे अभिरा पर बहुत ज़्यादा फक्र है और अभिरा भी बहुत ज़्यादा खुश है और दोनों ही ये चाहते हैं कि जल्द ही दादी सा उसके और अरमान की शादी के लिए मान जाए। और अभिरा भी अरमान को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दादी सा को समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा जब रोहित की एंट्री होगी और रोहित अरमान और अभिरा की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। टीवी सीरियल से जुड़ी बाकी सारी खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।